हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेंधा नमक का नाम सेंधा नमक ही क्यों पड़ा, सेंधा ही क्यों पड़ा? चलो दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों पहले तो बताता हूँ कि सेंधा नमक भारत में कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों ये पाकिस्तान के लाहौर में भी पाया जाता है, जिसके कारण पाकिस्तान में इसको लाहौरी नमक भी कहते हैं। और दोस्तों यह सिंधु के इलाकों में पाए जाने के कारण इसको सेंधा नमक कहते हैं। जहाँ जहाँ सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी घूमती है उन इलाकों में ये पाया जाता है। ऊंचा सारा एक बहुत ऊंचा पर्वत होता है, इसका हम अपनी जीभ लगा के चाटे तो वो पूरा सेंधा नमक का ही पर्वत होता है। फिर उससे बारूद से उड़ाया जाता है और उसके टुकड़ों को पीस कर मार्केट में बेच दिया जाता है, तो 90 से 100 रुपये किले के बीच में बिक जाता होगा शायद, वो अलग अलग रेटें होती है। और दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, ये एक प्रकार का खनिज है। इसमें NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसको आयुर्वेद में इसको स्वास्थ्य रक्षक भी कहते हैं, क्योंकि हम गर्म पानी के साथ इसको पीते हैं घोलकर, तो हमारी मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, मतलब दर्द दूर हो जाता है और पेट को भी आराम मिलता है। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो समझेगी समझ